कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेसियों ने राजभवन की तरफ कूच किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर यह कार्रवाई जो है हुई है। आपदा प्रबंधन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं डीआईजी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और किसान बिल को, किसानों के अहित का बिल जो है लगातार कह रही है। तो वहीं यहां पर जो कांग्रेसी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की गई है। जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर के, उनका जहां पर वायलेशन हुआ है और हिसाब से जो लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो इमीजिएटली की जाएगी। और इसके अलावा जो ये रैली है, जो प्रोसेशन था, इसको जो प्रॉपर परमिशन होना चाहिए था उस हिसाब से भी नहीं लिया गया था। तो उस हिसाब से जो लीगल कार्रवाई है वो भी इसमें हम लोग करेंगे। ऑलरेडी जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं